हर हर महादेव, हर हर महादेव। आवाज क्लियर है? पहले चेक कर लेते हैं ऑडियो, मेरे साथ में पहले से ही। हर हर महादेव, आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है? मैं तभी शुरू करूं ताकि मुझे पता चल जाए कंफर्म कि यस इट्स ऑडिबल, इट्स क्लियर, लाउड एंड क्लियर। कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव आप सभी को। लेकिन क्या आप सुन पा रहे हैं? ओके, थैंक यू निर्भय सिंह। ऑल राइट, ठीक है। तो आप सभी को हर हर महादेव। वैसे एक सेशन आपने अभी देखा होगा, कई बार ऐसा होता है कि पैनल में हमें मौका नहीं मिलता, जो बात हम कई बार करना चाहते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन स्माइल आई एम स्माइलिंग रचना। तो हम लोग कई बातें जो हैं वो क्योंकि पैनल में बहुत सारे लोग होते हैं, सबको अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने होते हैं, तो हम बहुत सारी बातें जो हैं उस समय नहीं बोल पाते, चाहकर भी कई बार वो स्किप कर जाते हैं, दिमाग से चली जाती है उस समय पे। तो ये होता है कि उस समय हम बहुत जो इम्पोर्टेंट बात बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म होता है जहां से नेशनली सबके पास मैसेज जाता है, तो वो जो हम बात इम्पोर्टेंट होती है बस वही फिर बोलते हैं। तो मुझे ऐसे एक प्रश्न है, जरा मैं उसको आपके सामने पढ़ती हूँ, मैंने मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा लिखते हैं फिर आपसे शेयर करते हैं। सृजन कैसे होता है? बीज से? बीज की उत्पत्ति कहाँ से होती है? शुक्राणु से? और शुक्र कैसे बनता है? भोजन से? भोजन कहाँ से आता है? पृथ्वी से। और पृथ्वी कहाँ का हिस्सा है? ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? साइंस बोलेगा बिग बैंग से। और वेद कहते हैं बिंदु से, नाद से। जिस चीज को साइंस बिग बैंग बता रही है वो एक्चुअली वही बिंदु है जहां से ओंकार बिंदु संयुक्तम वाला, जहां से वो उत्पत्ति हुई है सारी। जो वेद कहते हैं कि इसकी केवल सृष्टि पहले बीज का एक अंश थी। तो ऐसे ऐसे जो इस तरह के, अभी आज जैसे वो बच्ची जो है प्रतिमा रॉय, उसके लिए इतने सारे उसको ट्रोल किया गया, उसे उसके बारे में इतना उल्टा सीधा लिखा गया। अब मुझे बताइए कि वो अगर, क्योंकि उसमें हिंदू देवी देवताओं की विग्रह थे और तस्वीरें थी, इसके लिए ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया। लेकिन अगर यही कहीं अल्लाह का फोटो लगाया होता, या चर्च का फोटो कहीं से लगा होता, मतलब क्रिश्चियन इसका सिंबल का फोटो लगा होता, या कोई और सिंबल लगा होता, तो तकलीफ नहीं होती। तकलीफ कब होती है? कि जब हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें लगी होती हैं। अरे यू शुड बी प्राउड। हमारे कितने सारे, आप लोग भी देखिएगा, हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिनको मैं खुद सुनती हूँ, उनके मैं नाम आपको बता रही हूँ, उन्हें आप भी सुनिएगा। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन है जिन्होंने जीव की उत्पत्ति जो है उन्होंने, और वो भगवत गीता के फॉलोअर हैं, ठीक है, वो भगवत गीता पढ़ते हैं, उसमें से उन्होंने बहुत सारी चीजों को बताने का प्रयास भी किया है, अपने साइंस के थ्रू उन्होंने बताने का प्रयास किया है, तो आप उन्हें जरूर सुनिएगा। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन एक हैं। फिर प्रतिमा रॉय ने, जैसे उनका अपना बिलीफ है, पुराने अगर उसमें ले लें तो माइकल फेराडे हैं, और आइंस्टाइन हैं, अब्दुल कलाम जी भी हैं, और कल्पना चावला हैं, और मिचियो काकू भी हैं, जिन्होंने गॉड्स इक्वेशन करके एक छोटा सा वीडियो बनाया है, आप जाकर के देखिएगा। उन्होंने इस बारे में बहुत सारी बातें की हैं, क्योंकि
थियरी ऑफ एवरीथिंग जो है, जो आइंस्टाइन ने हमें दिया था, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि भगवान क्या है और किस तरह से कार्य करते हैं। व्हाट इज गॉड्स ब्रेन, दिस यूनिवर्स इज द गॉड्स ब्रेन। क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि दिस वर्ल्ड इज द प्रोजेक्शन ऑफ आवर ओन ब्रेन, माइंड्स, द थॉट्स, तो ऐसा ही भगवान का भी थॉट है और हम इसको ब्रह्म से जुड़ा हुआ मानते हैं। हमारी कॉन्शियसनेस जो यहाँ रहती है साइंस के हिसाब से, वो यहाँ होती है, जिसे हम क्राउन चक्रा कहते हैं, तो वो उसको वो हम उसे ब्रह्म से जुड़ा हुआ मानते हैं। वो सदैव उससे जुड़ी रहती है क्योंकि वो ही हमारा मूल स्थान है। ये तो डिफरेंट, पृथ्वी है, मंगल है, शनि है, ये ग्रह तो डिफरेंट डिफरेंट स्पॉट्स हैं या स्टॉप्स हैं हमारे लिए। हम कहीं ट्रैवल करते हैं तो ये जो हमारी यात्रा के बीच में स्टॉप्स आते हैं, ये उनमें से एक स्टॉप है पृथ्वी, जहां हम रुके हैं। लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस हमेशा कनेक्टेड है यूनिवर्स से, मेन मेन सिस्टम से। तो हम अब इस चीज को माने या ना माने, वैदिक थ्योरी इन चीजों को प्रूव करती है। एक वो महाशय उसमें बैठे थे, नाम तो मुझे याद किसी का है नहीं, लेकिन वो बोल रहे थे, मतलब काफी कुछ बोल रहे थे कि प्रूव नहीं कर सकते, इस बारे में चर्चा होनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ चर्चा होनी चाहिए। साइंस को जन्म देने वाला अध्यात्म है। साइंटिस्ट के, वैज्ञानिक के दिमाग में खुराफात नहीं आती। जो हमने लिखा है, जो उसके पास श्रुति है, स्मृति है, और जो पुराण है या शास्त्र है या जो भी हमारे पास है, अगर उसके पास ये रिटर्न उसमें नहीं होता तो वो कभी जाकर के इस बारे में रिसर्च नहीं करते। अगर अध्यात्म लिखा हुआ कहीं नहीं मिलता तो इस बारे में रिसर्च भी नहीं होता। ये प्रश्न उठे क्योंकि स्पिरिचुअलिटी यानी अध्यात्म ने विज्ञान को एक प्लेटफॉर्म दिया कि जाओ सर्च करो। ये तो सांस को भी नहीं मानते। एक अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति है महाराष्ट्र में, उनका काम है कि उनका काम भी यही है, धर्म पर प्रहार करो। अभी अगर यहाँ पे बाबा साहब अंबेडकर की वो बच्ची ने फोटो लगाई होती, बल्कि उसको तारीफ करने की बजाय, उसको थैंक्स बोलने की बजाय, राफेल के टाइम इतना पंगा किया इन लोगों ने, पर ये अगर वहां क्रॉस बना रहे होते या कुछ और लिख रहे होते ना, तब ये पंगे नहीं होते। लेकिन नारियल फोड़ा गया, नींबू के टायर के नीचे रखा गया, ओम लिखा गया, प्रॉब्लम उससे हुई। इनको प्रॉब्लम ओम से है, इनको प्रॉब्लम हिंदू की विचारधारा, हिंदू के विश्वास सिस्टम से है। इनका सीधा प्रहार होता है साधु महात्माओं पर। वो कौन बैठे थे, जो भी बैठे थे, वो बोल रहे थे कि क्या धर्म के ठेकेदार, जिनको शब्द बोलना नहीं आता, धर्म के ठेकेदार, तो तुम क्या साइंस के ठेकेदार हो? ऐसे लोग क्या साइंस के ठेकेदार हैं? इन्होंने ठेका ले रखा है क्या समाज को सुधारने का सारा और भ्रम फैलाने का? वैदिक थ्योरी, वैदिक सिस्टम एक एक चीज को प्रमाणित करता है। जैसे कि अब हमारे जो सात चक्र हैं, उन चक्रों के, हम जब कोई शब्द बोलते हैं, मंत्र किस तरह से काम करते हैं वो मैं बताती हूं आपको। जब हम कोई शब्द बोलते हैं, उस शब्द का एक थ्रो होता है, उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जो एक पर्टिकुलर ऑर्गन से या हमारे चक्र से जुड़ी हुई है। जब हम उस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी उससे जुड़ी हुई फ्रीक्वेंसी से जाकर मिलती है और हमारे कार्य को सिद्ध करती है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप देखते हैं, उसको मान लेते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी बोल रखा है हमारे भगवत गीता ने कि आप जो करोगे उसकी ही फल आपको मिलेगा, जैसा आप करोगे उसकी उसका ही फल आपको प्राप्त होगा। तो पहले आपका थॉट आपने एक जगह पे प्रोसेसिंग में लगाया, उसके बाद उसको आपने खूब सारी क्या कहते हैं, ऊर्जा दी, उसके बाद में उसने उसका एक मूल रूप लिया, मूर्त रूप लिया, और वो आपके सामने, आपका ड्रीम जो है, यू लिव योर ड्रीम, यही तो कहते हैं ना। तो अब मैं आपको बताती हूं, बिंदु जो है वो चक्र एम वर्ण की बात करते हैं। बिंदु क्षकार रूप, त्रिकोण मकार रूप, महाबिंदु क्षकार मकार समष्टि रूप। अब कंठ में स्वर होता है, ये कंठ यानी थ्रोट चक्रा, इसमें स्वर होता है। हृदय में क से ठ तक के स्वर बोले जाते हैं, जो हृदय से आपके निकलते हैं वो क से ठ तक के, हृदय हृदय चक्रा से जो जुड़ा हुआ है, कि जब आप बात करें तो वो वाइब्रेशन आपको हृदय क ठ, ये यहां पर वाइब्रेट होता है।
नाभि में ड से फ, आप बोल के देख लीजिए, आपको समझ में आएगा, आपको वहां पर वो वाइब्रेशन फील होगी जब इन इन अलंकारों को आप बोलते हैं। स्वाधिष्ठान में ब से ल तक, मूलाधार में व से स तक, आज्ञा चक्र में ह और क्ष, ये हमेशा स्थित रहते हैं। तो ये साइंस हमें बाद में बताएगी, साइंस हमें ये चीजें नहीं बता सकती, साइंस हमें बाद में बताती है, साइंस हमें उसका मूर्त रूप दिखाती है जो हमारे पास पहले से ही सूक्ष्म रूप में है। साइंस हमें उसी सूक्ष्म का स्थूल रूप दिखाती है। विज्ञान क्या करता है, आपको दिखा रहा है ना, तो दिख जो चीज दिख रही है वो स्थूल है, पर वो पहले विचार हमारे मस्तिष्क में आता है वो सूक्ष्म है। जब तक हम सूक्ष्म को स्थूलाकार में नहीं देख लेते, हम विश्वास नहीं कर पाते। और साइंस, ये सब चीजें, ये सारा जो बेस है साइंस का, वो अध्यात्म पे निर्भर करता है। अध्यात्म से, अध्यात्म का ही बेस है साइंस का। ये जो फ्रिक्वेंसी, एनर्जी की बात करती हैं, वो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी की बात हमारे पूर्वज कर चुके हैं। भगवत गीता भी आत्मा यानी एनर्जी की बात करती है, जो दिखती नहीं है लेकिन अलग-अलग रूप धारण करती है। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप मतलब डिस्कस किया जा सकता है, वेद शास्त्रों के आधार पर डिस्कस किया जा सकता है। मैंने और भी कुछ लिख के रखा था। वो तो विचारों की शक्ति, हमने परसों डिस्कस किया था आपके साथ में, विचारों की शक्ति को डिस्कस किया गया था। खैर, तो इन चीजों को आप किसी के बहलाने में ना आए, बेस्ट है कि आप, इसीलिए वेद का, शास्त्र का अध्ययन, उपनिषदों का अध्ययन और शस्त्र विद्या में पारंगत होना इस समय हर सनातनी के लिए अत्यंत आवश्यक है, ताकि धर्म बचे और राष्ट्र भी बचे। आप हिंदू राष्ट्र तब तक नहीं कह सकते जब तक हम खुद इकट्ठे ना हो जाएं, और जब तक हमें खुद इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे धर्म शास्त्रों के बारे में, हम किसी को उत्तर नहीं दे पाएंगे। इस समय सबको एक होना आवश्यक है, एक ही प्लेटफॉर्म पर हर सनातनी को होना चाहिए। सनातनी, विकास दुबे जी, कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। विज्ञान का अपना एक योगदान है, वी शुड बी थैंकफुल टू विज्ञान। अध्यात्म ने जो चीजें हमें पहले सूक्ष्म रूप में दी हैं, वो विज्ञान हमें स्थूल रूप में दे रहा है, बस। और ये अच्छी बात है कि आज हम तारों को, ब्रह्मांड को, प्लैनेट्स को देख पाते हैं। हमारे पास गैजेट्स हैं, डिवाइसेस हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम डिजिटल हैं आज। बट पुराने समय में ये जो चीजें हमें सूक्ष्म रूप में दी गई हैं, या इनका मॉडिफिकेशन कह सकते हैं कि अब जो हम देखते हैं ये मॉडिफिकेशन है हमारे पुरातन समय का, लेकिन क्योंकि हम पढ़ना नहीं चाहते, हम सुनना नहीं चाहते इस बारे में, हम देखना नहीं चाहते, हम मानना नहीं चाहते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बातें झूठी हैं। अगर वो बुद्ध के बारे में, अगर वो कहती और बुद्ध के बारे में लिखती, या वो बाबा साहब अंबेडकर की फोटो वो लड़की बच्ची लगाती, प्रतिमा रॉय, या फिर वो उस बारे में चर्चा करती, तो उसकी प्रसिद्धि करते, उसको ट्रोल नहीं करते। लेकिन क्योंकि उसने हिंदू देवी देवताओं का अपने आप को, अपने विश्वास को उसने ओपनली दिखाने की चेष्टा की कि मैं ये भी हूं और मैं ये भी हूं, ये मेरा मेरा बेस है, सनातन मेरा बेस है, ये उसने दिखाने की कोशिश की, बस इससे कुछ लोगों को तकलीफ हो गई। तो जो याद रखिएगा, जो जड़ों से पेड़ कट जाते हैं ना, वो ज्यादा दिन टिकते नहीं है। आप अपने आप में सोच लीजिएगा कौन जड़ों से कटे हुए हैं। अभी एक व्यक्ति ने लिखा था, कुछ कुछ तो सैनी करके कोई था, उसने लिखा था कि आप अंधविश्वास फैलाओ, हम जागरूकता फैलाएंगे। तो मैं उन्हें बोल रही हूं, आप लोग अंधविश्वास फैला रहे हो, जागरूकता तो हम ही फैला रहे हैं। आप लोग लोगों के आंखों पे पट्टी बांध रहे हो धर्म के प्रति, सत्य के प्रति, और हम इसको पट्टी को हटा करके छोड़ेंगे लोगों की आंखों से, दिमाग से, हृदय से।
तो ये हम अंधविश्वास नहीं, आप लोग अंधविश्वास फैला रहे हैं, क्योंकि आप खुद अंधे हैं, आपको सत्य दिखता ही नहीं, और आप बहरे हैं, आपको सत्य सुनाई नहीं देता, आप गूंगे भी हैं, आपसे सत्य बोला नहीं जाता। तो अंधविश्वासी आप लोग हैं, हम लोग नहीं। धर्म में अंधविश्वास नहीं होता। बस इतना ही मुझे कहना था। तो अपने धर्म शास्त्रों का अध्ययन करें, उसमें आपको बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं, आप उसको साइंस के साथ रिलेट करके देख लीजिए। मैं फिर से आपको साइंटिस्ट जो हैं उनके नाम बता देती हूँ, आप इनके वीडियोस देखना शुरू करें। ये साइंटिस्ट वो हैं जिन्होंने, ये फिजिसिस्ट भी हैं और इन्होंने रिसर्च किए हैं, इन्होंने गॉड की थियोरीज के ऊपर काम किया है, आप इनको अवश्य सुने। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, डॉक्टर मिशियो काकू, आइंस्टाइन, माइकल फेराडे एंड हाँ, ये जो चार हैं जिनके नाम लिए हैं, इनकी डॉक्यूमेंट्रीज आप देखें, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए। हर हर महादेव। जय भवानी, जय भारत।